नमस्कार, मैं आचार्य संजय। ज्योतिष गुरुकुल टेस्ट एस्ट्रो थेरेपी यूट्यूब चैनल से बात करेंगे पंचग्रह युति, पंचग्रह कुट मकर राशि में। फ़रवरी 28 शनिदेव पहले से बैठे हैं और वहाँ सूर्यदेव, बुद्धदेव, मंगल शुक्र गोचर करके वहां आने वाले हैं। चंद्रमा तो घूमते रहते हैं, आ जाएंगे उसी दिन। पंच ग्रह कुट, पांच ग्रह जब पूरे भौचक्के के एक जगह में आ जाएंगे, वो भी शनि के घर में, ऊपर से शनि के घर में गुरु खुद बैठे हुए हैं और काल सर्प योग भी लगा हुआ है। सोचिए, इमेजिन करिए, गांठ, एक रस्सी ऐसा आया हुआ है, ऐसे घुमा और ऐसे चला गया काल सर्प के अंदर, सब कॉम्बस, और फिर शनि के घर में, शनि के अंडर केयर में, सात के सात ग्रह, ऊपर से राहु का दृष्टि। पंच ग्रह कुट तो बहुत अच्छा नहीं कहा गया। पांच ग्रह जब एक जगह में आते हैं, राहु की दृष्टि में आते हैं, काल सर्प के कंडीशन पे आते हैं और सबका, सभी प्लैनेट, मूल प्लैनेट सब शनि के घर में, शनि के अंडर कंट्रोल में, जब शनि के घर में हैं तो नेचुरली शनि के अंडर कंट्रोल में सब आ गए, सभी कारक शनि के अंडर कंट्रोल पे आए और शनि यहाँ बलि बैठे हुए हैं, कोई दुर्बल तो है नहीं। और उस समय गुरु जो सबको बचाने वाला प्लैनेट है, अमृत और शुभता का प्लैनेट है, सब कुछ देने वाला प्लैनेट है, रक्षा करने वाला प्लैनेट है, खुद कम मतलब उस समय कंबस्टिंग कंडीशन पे भी जाते होंगे, हालांकि पूरा कंबस्ट नहीं हो क्योंकि सूर्य तो 13 तारीख को कुंभ में चले जाएंगे और फरवरी 28 को ये पंचग्रह कुट शनि, बुध, शुक्र, मंगल, चंद्र और कुंभ में, उस समय गुरु कंबस्ट, बचाए कौन। तो यूनिवर्सल लेवल पे इसका क्या इफेक्ट होगा? तो पहला, जब भी पंचग्रह कुट होता है तो एक सोचिए, एक मीटिंग चल रहा है, आने वाला समय पे कुछ ऐसे महान कार्य, महान या तो बैड और गुड, जैसे हम लोग अपने ऑफिस में हो या एनजीओ में हो या टूर्नामेंट होता है, उससे पहले सारे प्लेयर्स एक जगह बैठ के खड़ा होके मीटिंग करते हैं, आने वाले को कैसे फेस करना है, किसको क्या क्या जिम्मेदारी है, क्या दायित्व है। और उतना बड़ा मीटिंग में गुरु सूर्य नहीं है, शनि कंट्रोल कर रहे हैं, यानी शनि का मीटिंग है और राहु का दृष्टि में हो रहा है, खतरा तो है, खतरा का आगाज तो दिख रहा है। नेचुरली आगे अगर आप बात करोगे, जब शनिदेव आगे चले जाएंगे, मूल त्रिकोण अपने घर पे चले जाएंगे, तो उस समय ये आगे वाला तीन महीना तक शनि मंगल का ही युति रहेगा और ऊपर से जब गुरु अप्रैल में घुसेंगे मीन में और उधर से राहु, पीछे से शनि, गुरु खुद वहां पाप कर्तरी में फंसेंगे। और इस प्रकार का बहुत सारा आगे चल के दिख रहा है, नॉट गुड। तो पंचग्रहियों का मीटिंग मकर राशि में होने वाला है और अगर विश्व में अभी देखते होंगे तो मकर राशि, मकर लग्न वाले इस प्रकार के बाकी लोगों के साथ कुछ ना कुछ मीटिंग करते होंगे, मैं देख भी रहा हूं, आप उनका चलता रहेगा, ऐसे बातचीत चलता रहे। तो ये शुभ समाचार मुझे नहीं दिख रहा है। जब पंच ग्रहों का एक जगह में जमावड़ा होगा तो उनका जो सेंटर पॉइंट है विश्व का, किसी एक जगह में बहुत ज्यादा शक्ति का, ऊर्जा का एकत्रीकरण, भूकंप दे सकता है, अग्नि उत्पाद दे सकता है, किसी प्रकार का युद्ध का स्थिति बना सकता है, किसी प्रकार का
एक अशांति का वातावरण बना सकता है। तो इन सब के समस्या को आप और हम सब आने वाला भविष्य को देखते हुए क्या कर सकते हैं, किस प्रकार का फल आ सकता है। तो पहला, हवन का कार्यक्रम शुरू करिए, यज्ञ का कार्यक्रम शुरू करिए। कुछ भी हवन हो, छोटा हो बड़ा हो, अग्निहोत्र का हो, बलिवश्य हवन हो, या कुछ नहीं है तो सामने ऐसे ही तांबे का पात्र लाके कर सकते हैं। मकर राशि का दशम स्थान पे पंचग्रही कुट हो रहा है तो स्वाभाविक बात है कर्म क्षेत्र पे परेशानी तो दिखाई दे रहा है, मानसिक तनाव दिखाई दे रहा है, लेकिन कर्म पे बहुआयामी कर्म का सफलता भी संभावना है। और दशम स्थान से पंच चतुर्थ स्थान को मकर मेष राशि वालों का मालों का दृष्टि रहेगा पंचग्रह कुट, तो माँ के स्वास्थ्य के ऊपर भी संभावना थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं है। और जब बहुत सारे प्लैनेट का ऊर्जा एक जगह में मिलता है तो कर्म क्षेत्र पे भ्रमित भ्रम भी होता है मेष के बाद। लेकिन इस पंचग्रह कुट पे दाम्पत्य जीवन पे कटुता होने के बावजूद भी आप अपने को संभाल सकते हैं। वृष राशि का भाग्य स्थान पे हो रहा है तो पंचग्रह कुट में भाग्य का बहुत अच्छा संभावना नहीं है, धार्मिक यात्रा होंगे लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारा आ सकता है। राहु का दृष्टि में हो रहा है तो स्वाभाविक बात है भाग्य स्थान पे आपका भ्रम रहेगा, बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन पराक्रम इस समय बढ़ेगा, ओवर पावर आप हो सकते हैं, गुप्त शत्रु बढ़ने का संभावना इस समय हो सकता है। मिथुन राशि वालों का अष्टम स्थान पे हो रहा है तो चोर चपेट एक्सीडेंट से सावधान, परेशानी बाधा, कर्म क्षेत्र में बाधा विघ्न आना, परेशानी बिना फालतू का, आयु पे क्षीणता, विदेश से खराब संवाद, लेकिन गुप्त तत्व गुप्त विद्या में बढ़ोतरी भी संभावना है। और मिथुन राशि वालों का अष्टम स्थान पे सारे ग्रह जब जा रहे हैं तो मिथुन राशि वालों का इस समय थोड़ा सा ज्यादा कष्ट का संभावना है, इसलिए सावधान रहना। मिथुन राशि वालों को, ये 12 राशि में से मिथुन राशि लग्न वालों को सावधान होना चाहिए। दाम्पत्य क्षेत्र में परेशानी, आयु के क्षेत्र में परेशानी, रोग के क्षेत्र में परेशानी, मृत्यु स्थान में इतने सारे प्लैनेट जा रहे हैं तो मिथुन वाले थोड़ा सावधान। कर्क का सप्तम पे हो रहा है तो नेचुरली दाम्पत्य जीवन पे कष्ट होगा ही, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, स्पाउस हाउस स्पाउस के ऊपर उसका इफेक्ट रहेगा और दैनंदिन जीवन पे भी इसका इम्पेक्ट रहेगा। सिंह राशि वालों का बहुत बेस्ट इस समय होगा क्योंकि षष्ठ स्थान पे सारे ग्रहों का जमावड़ा रहेगा तो रोग रिपूर्ण से विजय और बहुत सारे जो भी चैलेंज है उसमें जीत, कुछ यात्रा दे सकता है, कुछ यात्रा होगा और इन सब कार्यों पे मोटा मोटी आपको सफलता मिलेगा, स्वाभाविक बात है। कन्या राशि का पंचम स्थान मकर राशि में, पांच ग्रहों का पंचग्रही कुट हो रहा है, पेट पांच का हृदय पांच का पंचम स्थान को कहा गया तो इसमें मानसिक तनाव, पेट जनित रोग, पेट जनित इन्फेक्शन, हॉर्मोनल डिसऑर्डर, संक्रमण जनित कुछ रोग का भी संभावना पंचग्रह कुट के कारण दिख रहा है। जीवन साथी के साथ मत पार्थक्य मनोमालिन्यता भी है, प्रॉब्लम तो होगा स्वाभाविक बात है। मेंटल डिप्रेशन से बचने के लिए ध्यान मेडिटेशन जरूर करें, एंजाइटी स्ट्रेस टेंशन स्वाभाविक दिख रहा है। तो ले दे के पंचम स्थान पर पंचग्रह कुट पंचग्रही जो स्थिति है मिथुन के बाद सेकेंड अगर किसी के लिए चिंताजन्य विषय है तो कन्या के लिए है। अब बात करेंगे तुला चतुर्थान, चतुर्थान सुख का स्थान, माता का स्थान, भूमि भवन वाहन का स्थान, सावधानी यहाँ जरूरी है, केयर लेना बहुत जरूरी है। परेशानी रहेगा, सुख में हानि होगा, माता के ऊपर कष्ट हो सकता है और परिवार जन के साथ थोड़ा सा मत पार्थक्य होगा क्योंकि राहु का भी दृष्टि है। तुला राशि तुला लग्न वाले हाई ब्लड प्रेशर से थोड़ा सा बचें, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट के ऊपर भी स्किन का इफेक्ट संभावना है और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर
का भी संभावना यहाँ पर आता है। वृश्चिक राशि का पराक्रम स्थान थर्ड हाउस में ये हो रहा है तो पराक्रम पे हार्मोन तो करेगा, लेकिन थर्ड हाउस में जब इस प्रकार का पंच ग्रह कुट योग होता है तो सर का दर्द, माइग्रेन, सर मेंटली आप बाम वगैरह लगाना, मानसिक तनाव, आत्मबल पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ में कमी और कंफर्ट रीजन तो इस समय नहीं रहेगा। हार्ट के ऊपर सावधानी रहना चाहिए, हार्ट प्रॉब्लम पे। वृश्चिक के बाद धनु, धनु का द्वितीय स्थान पे इतने सारे ग्रहों का इनके लिए ले दे के अच्छा है, और धनु वालों के लिए कहीं ना कहीं धन प्राप्ति का भी योग बता रहा है। लेकिन परिवार के ऊपर है तो परिवार के लिए आपको टेक केयर करना ही पड़ेगा। वाणी के ऊपर सहमता होना चाहिए, वाणी पे बौखलाहट आएगा, पक्का आएगा, आप देख लेना आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। मकर वाले थोड़ा सा ज़्यादा सावधान, कर्क को जैसे सावधान कराया, मकर के ऊपर होने वाला है तो हाई प्रेशर रहेगा, डिप्रेशन पे जाएंगे, सोच नहीं सकते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और आगे पीछे द्वंद्वतात्मक रहेगा, उनको लग रहा है सही क्या और गलत क्या, लेकिन इतना कन्फ्यूज होगा कि वो सही मार्ग को डिसीजन लेके काम कर नहीं सकते हैं। मानसिक तनाव स्वाभाविक राशि वालों के लिए, लग्न के ऊपर, शरीर के ऊपर थोड़ा सा कुछ इम्पैक्ट, पर्सनैलिटी के ऊपर नेचुरली द्वंद्वात्मक स्थिति रहेगा। ले दे के मकर राशि वालों के लिए डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होगा, फिजिकल मेंटल लेवल पे समस्या रहेगा, रोग का संभावना है। कुंभ राशि के द्वादश स्थान पे हो रहे तो कुंभ राशि वाले खर्चा से बचें, डिसीजन लेने से बचें, इन्वेस्टमेंट से बचें, सारा डिसीजन रॉन्ग होगा क्योंकि बुध भी, बुद्धि और व्यवसाय का कारक भी द्वादश में उस समय चलते रहेंगे, तो ये इम्पैक्ट से थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। खर्च, हॉस्पिटल, चोर चपेट, एक्सीडेंट, विदेश, रोड, इन सब से सावधान रहना। कुछ भी घट जाए इस समय पुलिस स्टेशन पे नहीं जाना है, जो भी करेंगे बाहर ही आप समाधान करने की कोशिश करिए। लेकिन कुंभ वालों को बचाने के लिए गुरुदेव और सूर्यदेव वहाँ पर हैं तो स्वाभाविक बात है, एक सेफ जोन है। मीन राशि वालों का एकादश स्थान पे हो रहा है और एकादश पे इस क्षेत्र से तो बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि हम सबको पता है एकादश स्थान पे लाभ का स्थान है, उत्तरोत्तर बल स्थान है, तो अच्छा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट सब जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।